हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त के भैया का है जो अभी फंसे हुए हैं यूक्रेन में, जहाँ अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, वहीं फंसे हुए। तो देखिए क्या कैसे उन लोग किस पोजिशन में, कैसे सिचुएशन हो गई है, प्लीज देखिए। मैं सदाब धनबाद झारखंड से हूँ। मैं खुशी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैं श्रुति लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैं ऋषभ लोहिया उत्तराखंड से। मैं अंजलि हरियाणा से। मैं हंसी पंजाब से। मैं आरोहन दिल्ली से। हम लबीब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। फिलहाल हम लबीब में फंसे हुए हैं। हमारे रहने के हालात सही नहीं है, हम सही से सो नहीं पा रहे, हमारे खाने के सप्लाईज कम होते जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है। हमारी सरकार हमें हर रात सुबह 6 बजे हर दिन एक सायरन बजता है, हमें बंकर में भागना पड़ता है अपने अपने। रात में हम एक एक करके सो पाते हैं, सबको अच्छी नींद नहीं मिल रही है, 3 दिनों से हमारी नींद हराम हो चुकी है। कल हम पोलैंड बॉर्डर के लिए निकले थे, रूस का बॉर्डर के लिए। वहाँ हमें 20 किलोमीटर लगभग चलने के बाद पता चला कि वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस को अलाउड नहीं है चलना, मतलब जो लोग पैदल जा रहे हैं वो नहीं बॉर्डर पार कर सकते, जो पर्सनल व्हीकल्स में वही सिर्फ बॉर्डर पार कर सकते हैं। फिर हमें एक सरकार से नोटिस आई एम्बेसी की तरफ से कि हमें शनी मेडिका बॉर्डर की तरफ चलना चाहिए, लेकिन हमारे दोस्तों हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें वो खबर आई कि वहाँ पे 30-40 किलोमीटर लंबी लाइन है और रात में ठंड बहुत बढ़ गई थी। रात में ठंड नहीं भी तो -3 या -5 डिग्री पे चल रही थी। हम भी कल रात 12 बजे वापस अपने हॉस्टल आए। कर्फ्यू 10 बजे शुरू हो जाते हैं यहाँ पे लबीब में, उसके बावजूद हम अपने डेस्क पे 12 बजे तक यहाँ पहुँचे। हमने एम्बेसी वाले हेल्पलाइन नंबर से बात करी, उन्होंने हमें बोल दिया कि हम तुम्हें बॉर्डर खुद अपने बलबूते पे पहुँचना होगा। एम्बेसी से कोई मदद मिलने की उम्मीद कम लग रही है हमें, और यहाँ से बॉर्डर जाने के लिए भी हम लोग को अपने खुद के रिस्क पे जाना पड़ता है। तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग कहाँ से क्या ही अरेंज कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा ही दिक्कत होता है। और सप्लाईज भी हमारी सारी खत्म होने वाली है, सप्लाईज लेने के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, तो वो भी बहुत हम लोग के लिए रिस्की हो जाता है। और हम लोग बहुत ज्यादा ही पैसे खर्च कर चुके हैं अभी तक, एंड ATMs में यहाँ लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, कैश कभी टाइम पे मिलता नहीं है, बहुत लंबी लाइन्स लगती हैं, और उसके बीच में अगर सायरन बज जाता है तो बच्चों को भाग के वापस जाना पड़ता है या किसी आसपास बंकर में जाना पड़ता है। काफी डर का माहौल है यहाँ पे, और हम लोग मेंटली एंड फिजिकली बहुत खराब कंडीशन में हैं, थक चुके हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ हेल्प जल्दी से जल्द भेजे, क्योंकि यहाँ हालत बहुत खराब हो रही है हम लोगों की। और जैसा भी हो तो वैलिड नंबर्स के साथ हमें PDFs भेजे जाएं, एडवाइजरीज जारी की जाएं, क्योंकि जितने नंबर्स भी हम ट्राई कर रहे हैं या तो वो फोन नहीं उठा रहे या तो वो नंबर बंद है, इससे यहाँ और पैनिक क्रिएट हो रहा है बच्चों में। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रख के आगे कि जितनी भी एडवाइजरी है वो आए। दैट्स ऑल, थैंक यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ने देखा, इन भैया लोग दीदी लोगों की सिचुएशन बहुत ही वीक हो गई है और अच्छी स्थिति नहीं है इन लोग की। लोग बहुत ही कमजोर हो गए, लोग जो अभी मेंटेलिटी है इन लोग फिजिकली अभी ठीक है, मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से सपोर्ट करें इन लोग को। जब वीडियो अगर सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और पहुँचाएं कि और इन लोग को हेल्प मिल सके, सपोर्ट मिल सके, ताकि इंडियन गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई डिसीजन ले और इन लोग को बचाने के लिए कुछ आर्मी प्लेन्स और वगैरह सब भेजे और इन लोग को बचाया जा सके। जल्द से जल्द ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, और ये हम लोग के जो लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उन सबको वापस जल्द से जल्द ले आया जाए इंडिया, ताकि सब सही हो जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और इन भैया और दीदी लोग को सबको सपोर्ट करें।